अभी मैं हूँ नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी में, कुछ रिसर्च काम से आया हुआ था। और अभी आप लोगों को आज जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी पिछला वाला वीडियो मैंने बनाया था, मैंने आप उसमें आपको बताया था कि भाई जो हमारा वो है, क्या नाम है, जो MBA जो इंट्रोड्यूस हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उसका क्या लॉजिक है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो आज इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और MBA DU और MBA IGNOU को कंपेयर करते हैं कि भाई दोनों में से बेटर कौन सी होने वाली है। और इसके अलावा वीडियो में और बहुत सारा कुछ है, बने रहिएगा मेरे साथ में। अब इस बीच मौसम जो है वो मस्ताना और सुहाना है। मैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एक्चुअली कुछ अपने पर्सनल कुछ काम से आया हुआ था, थोड़ा बहुत रिसर्च से रिलेटेड। बट बाय द वे मौसम बहुत बढ़िया था, तो मैंने कहा कैमरा उठा के बना लिया जाए। और बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। 2013 में मैं यहाँ पे काम करता था रिसर्च का, बट अभी भी कार्बन नैनोट्यूब से रिलेटेड कर रहा हूँ। अब यहाँ की जो भाई जो यहाँ का ऑरा है ना, वो बहुत गजब का है। एम्बियंस बहुत अच्छा है। जब भी आप यहाँ आते हो, बस अलग ही जो है अपनी पुरानी कुछ यादें आ जाती हैं, नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आ जाती है। बाकी अपने आप में बेस्ट लेबोरेटरी है अभी तक की, मेरे को ऐसा लगता है। दिल्ली में तो ऐसी अच्छी कोई लेबोरेटरी नहीं है, सारी लैब्स हैं यहाँ पर। बच्चों के लिए ओपन डेज वगैरह होते रहते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं यहाँ पर रिसर्च के लिए, बहुत काम के लिए, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। अब फिलहाल वापस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। जो आपको सामने दिख रहा है वो सामने एग्जिट है, और यहाँ से हम जो है एग्जिट हो जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो भाई, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की DU की जो MBA है वो IGNOU से बेटर क्यों है। ऑब्वियसली पहला तो बच्चों, सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि DU जो है, देखो भाई DU की अपनी फैसिलिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना जो है एक लेवल है, ठीक है। वो उस लेवल का होने की वजह से आपको आपकी DU की MBA की इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू IGNOU या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस है बेटर हो जाती है। मैं तो बल्कि बोलूँगा किसी भी प्राइवेट कॉलेज की रेगुलर की हुई डिग्री से भी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज कोई ऐसे ही सा ही है। दूसरी बात है बच्चों, पैसे बहुत सारे बचेंगे आपके, क्योंकि DU की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आपकी डिग्री होने वाली है, जिसकी जो फीस होने वाली है, वो डेफिनेटली से कम होने वाली है, ठीक है। कम फीस होने वाली है, DU एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। दो रीज़न ये हो गए। और थर्ड रीज़न बच्चों, जो सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट, वो ये कि कॉरेस्पॉन्डेंस करने का फ़ायदा ये होता है कि भाई हम जॉब कर सकते हैं साथ साथ, और हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। कंटिन्यू एजुकेशन को कंटिन्यू रखने का हमेशा फ़ायदा होता है। तो अगर आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार, कुछ पैसों से 30,000-40,000 शायद से क्या फ़ीस होगी, इसी के आसपास होगी। आपको एक और बात आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, 70% कॉलेजेस जो हैं इंडिया के, उनकी फ़ीस जो है वो 1 लाख से कम है, ठीक है। लेकिन 30% ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो बहुत लूटते हैं, जो जिनकी फ़ीस 1 लाख से ज़्यादा है। और 1 लाख की बात हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो DU में तो बेटे 40,000 के आसपास फ़ीस की बात हो रही है। तो डेफिनेटली सर, जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, अगर मतलब MBA करने की अगर सोच रहे हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है, इसको कंसिडर करना चाहिए। वैल्यू ज़्यादा, इंपॉर्टेंस ज़्यादा, हर चीज़ यहाँ पर ज़्यादा है, तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैंने इतने सारे कोर्सेज पिछले वाले वीडियो में बनाए। सबसे पहले जल्दी से इससे पिछले वाली वीडियो जाके देखो, जिसमें 7 मैंने आपको नए कोर्सेज बताए जो DU ने इंट्रोड्यूस करे हैं, 7 नए कोर्सेज, ये अपने आप में बड़ी बात है। और शायद टोटल जो थे पहले 5 थे शायद से, इससे पहले प्लस 7 और जुड़ गए हैं, शायद 12 हो गए हैं या 11 है, वीडियो में डाले हैं मैंने सारे के सारे आपको बताए हैं। लेकिन जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे कोर्सेज हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वाले BA वगैरह है, BCOM है, वो सब तो है ही है। उसमें तो कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर कर रहे हो कुछ, तो डिग्री अच्छी होनी चाहिए, नए ज़माने के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसी डिग्रीज़ हैं बच्चों, जो आप प्राइवेट जाके करो तो इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, DU आपको कंपैरेटिवली भी फैसिलिटी दे रहा है, तो आपको जो है इसको डेफिनेटली से यूज़ करना चाहिए। CUET नहीं मांग रहा, सबसे बड़ी बात है। तुम में से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसने CUET दिया ही नहीं होगा, पता ही नहीं है बच्चों को। मेरे को कितने बच्चों के फ़ोन आते हैं, सर हमने CUET नहीं दिया, अब हम क्या करें, हमारा तो एक साल ख़राब हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई, कॉरेस्पॉन्डेंस वाले में जाके एडमिशन लो, ठीक है, उसका एक साल तो बचाओ, 3 साल करते रहना, अगले साल रेगुलर की कोई किसी डिग्री में एडमिशन ले लेना रेगुलर में, और इसको करते रहने दो, चलने दो इसको। ये अलग से चल रही है, वो अलग से चल रही है, 2 डिग्री हो जाएंगी आप लोगों के पास बाद में। और UGC तो कह ही रहा है कि आप डबल डिग्री कर सकते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंस में चल रही है, एक रेगुलर में चल रही है, अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉर्टेड है एकदम। और बच्चों को तो अब ये पूछना चाहिए, सर हम इसको करें कैसे, ये वीडियो तो वायरल होना चाहिए। लेकिन ये होगा इसलिए नहीं वायरल, क्योंकि एजुकेशन वीडियो है ना, तो एजुकेशन वीडियो का इतना कोई स्कोप नहीं होता, क्योंकि कोई शेयर भी नहीं करता है ना, और कोई लाइक भी नहीं करता, और कोई जो है उसको पे कमेंट भी नहीं करता,
तो ट्रेंडिंग में कैसे आएगी वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ें करते हैं तब जाके कुछ वीडियो थोड़ी बहुत चलती है तब, और थोड़ी बहुत चलेगी तो ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको चाहिए उन वहाँ तक पहुँचेगी, बट वो हो नहीं पाता और मुझे उम्मीद भी नहीं है। चलिए ठीक है, आई थिंक इसमें जस्टिफाई हो गया है, अब टॉपिक को करते हैं चेंज। NPL से चलते ही, कुछ दूर चलते ही बारिश हो गई बंद।